वही पौड़ी के सतपुली में बन रही सार्वजनिक पार्किंग पर स्थानीय लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। इस पार्किंग को जीएनबीएन के माध्यम से बनवाया जा रहा है, जिस पर खराब गुणवत्ता से निर्माण पर स्थानीय लोग मुखर हो गए हैं। स्थानीय निवासी मनीष खुकशाल ने कहा कि लाखों रुपए की लागत से बन रही पार्किंग में मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही पार्किंग के पुस्ते बनने के साथ ही उनमें दरारें भी साफ देखी जा सकती हैं, जिससे इसकी गुणवत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले बरसाती सीजन में यह पार्किंग कभी भी ढह सकती है, जिससे जान माल के साथ ही भारी नुकसान की संभावना है। उन्होंने जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान से मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित ठेकेदार पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। अब इस पार्किंग निर्माण कार्य की जांच के लिए एसडीएम सतपुली को नामित कर रहे हैं, जो जांच कर अखाए उनके समक्ष उपलब्ध कराएंगे, जिसके बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सतपुली में नगर पंचायत के अंतर्गत वहां पर लगा हुआ एक गदेरा है, वहां पर मतलब बरसाती गदेरा जिसको बोल सकते हैं, और वहाँ पर पार्किंग निर्माण कार्य जीएमबीएन के द्वारा कराया जा रहा है और प्रदेश स्तर से वहाँ पर वो कार्य किया जा रहा है और टेंडरिंग वहाँ से हुई है। तो उस पर बताया गया है कि उस कार्य में जो मैंने भी देखा है खुद वहाँ पर कि घटिया गुणवत्ता, जैसे कि वहाँ पर जो पुस्ता जो बनाया जा रहा है उस पर क्रैक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे वीडियो विजुअल के माध्यम से, और साफ तौर से दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी अगर हम बता दें कि वहाँ पर पुस्ता गिरने के कारण और वहाँ पर जो कटान था, कटान होने के कारण वहाँ पर जो डिग्री कॉलेज के शौचालय थे वो भी गिर चुके थे, वो भी अभी तक बनाए नहीं गए, लेकिन अभी जो काम चल रहा है वो भी बिल्कुल घटिया गुणवत्ता के साथ चल रहा है। आख्या प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा निर्देशित किया गया था, जैसे ही आख्या प्राप्त होती है उसके बाद में जो भी एक्शन लिया जाना होगा, क्योंकि इसमें कार्यदायी संस्था गढ़वाल मंडल विकास निगम है, तो उनके एमडी के अकॉर्डिंगली जो भी जाँच में आने वाले तथ्य हैं प्रेषित किए जाएंगे।